हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक वी सिंपल। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं झींगे की रेसिपी। ये रेसिपी बुंदेलखंड में बहुत ही फेमस है और इसको बुंदेलखंड में बहुत ही ज्यादातर बनाया जाता है। इसको सुखा के, इसको कच्चा, दोनों तरीके से इसकी रेसिपी बनाई जाती है और आज मैं आपको इसी की रेसिपी बना के दिखाऊंगी। जी हाँ, इसको हम बुंदेलखंड में झींगा बोलते हैं, आपके लोकल भाषा में इसको जो बोला जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ इसको झींगा ही बोला जाता है। तो आज मैं आपको इसी की रेसिपी बना के दिखाती हूँ। तो गाइस चलते हैं, हम सबसे पहले झींगों को रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये झींगे हैं, ये देखिए अभी मैंने इनको रोस्ट नहीं किया हुआ है और ये सूखे हुए हैं, ये गीले नहीं है। तो चलिए गाइस, अब हम झींगों को कढ़ाई में रोस्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस, मैंने गैस को ऑन कर लिया है और गैस पे रख दी कढ़ाई और अब हम इनमें झींगे डाल देंगे। इनको हमें हल्का सुनहरा होने तक रोस्ट करना है। देखिए गाइस, इनको हमें रोस्ट करते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं और इससे अच्छी सोनी सोनी सी खुशबू आने लगी है। तो यानी हमारी ये झींगे हैं वो भूंज के तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं भूनने, नहीं तो ये इसमें कड़वाहटपन आने लगेगा। इसलिए सिर्फ थोड़ा सा इसमें खुशबू के लिए हमें इनको रोस्ट करना होता है। तो हमने इनको कर लिया है, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम झींगे का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, इस चम्मच से हम एक भर की बड़ी चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को अब थोड़ा गर्म होने देंगे हम। तेल हमारा गर्म हो रहा है, जैसे तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और अब हम इसमें थोड़े से 2-4 काली मिर्च, 2 लौंग, 1-2 तेज पत्ता, ये सारे थोड़े थोड़े करके गरम मसाले डाल देंगे हम। इनको थोड़ा सा हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। गैस यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का प्याज दिया था, जिसको मैंने मिक्सी में पीस के पेस्ट बना लिया है। अब हम प्याज को डाल देंगे। तो देखिए गैस, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे हमारा जो प्याज है वो अच्छे से भून जाए और इसमें जो प्याज में जो मीठापन आता है हल्का हल्का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसलिए हम प्याज को थोड़ा सा अच्छा सुनहरा होने तक भूनेंगे। देखिए हम गाइस, हमारी प्याज है वो अच्छे से तरीके से भूनी गई है। तो अब हम इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे पिसे हुए। एक चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। गाइस नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पर ऐड किया हुआ है। 1/4 हल्दी पाउडर डाल देंगे। गाइस यहाँ पे मिर्ची मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि जो झींगे हैं इसमें मिर्ची का टेस्ट बहुत जल्दी चढ़ता है और ये तीखी हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्ची कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब गाइस हम इसमें पानी ऐड कर देंगे जिससे हमारे मसाले में वो जले ना और अच्छे से भून जाए। देखिए गाइस, हमारा मसाला है जो लगभग 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए और हमारा जो मसाला अच्छी तरीके से भून गया है। आप देख सकते हैं कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें जो झींगे भून के रखे थे अब वो डाल देंगे। देखिए गाइस, अब हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। हम इसको एक उबाल आने तक इसको पका लेंगे, जिससे हमारा पानी है वो अच्छी तरीके से पक जाए और ये झींगे हैं ये भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको खोल आने तक हम इसको पकने देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी सब्जी में अच्छा सा उबाल आने लगा है। इसको सिर्फ 2 मिनट तक और उबाल आने देंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए गाइस, हमारी सब्जी है वो बनके रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और धनिया से कर देते हैं इसको सर्व। गाइस आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी मिली। तो गाइस फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।